सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है के एस डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। आज आपके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी HF काउस हाई यील्डर शो क्वालिटी जो कंपटीशंस में कम्पीट करने वाली गायों की वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी अच्छी गायें हैं, ऐसी गायें तो देखने को भी नहीं मिलती जो अपने आज फार्म पे अवेलेबल है। तकरीबन 12 गायें हैं जो मिल्किंग में हैं, बाकी 7-8 गायें जो HFO प्रेग्नेंट हैं, 2 जर्सी हैं, तकरीबन 20-22 गायें हैं। उसमें से गायें आप आज आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, एक नंबर पे जो ये गाय है ये बछड़ी प्लेट के सीमन की है, सेकेंड टाइमर है, 4 टीथ है, 10/10/2019 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। तकरीबन अभी ये 3 साल की जो एज की ये बछड़ी अभी हो गई है, सेकेंड टाइमर। और आप स्ट्रक्चर, हाइट, क्वालिटी देखिए तो क्या ही बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गाय है। जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोल देना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुआ है। आज इसको 3 दिन हुए हैं सिर्फ बच्चा दी को, ये गाय को आप इसकी क्वालिटीज चेक करिए गाय की, और ब्रीड करेक्टर्स देखिए आप। आपको इसकी मैं फेस क्वालिटी भी दिखाता हूँ। ये गाय क्या है कि थोड़ा फार्म में से आने की वजह से थोड़ा डरती हैं। ये देखिए आप, वो टैग नंबर में दिखाता हूँ। ये देखिए प्लेट 10/10/2019 का डेट ऑफ बर्थ है। ये प्लेट के सेक्सल सीमन की है, ये एक नंबर वाली बछड़ी है खुद, और आगे भी इसको सेक्सल ही लगा था लेकिन इसने बछड़ा दे दिया है। चलो कुदरत है, कुदरत से बड़ा कोई इंसान नहीं है। ये देखिए आप, ऐसी ऐसी गायें आज आपको दिखाएंगे कि एक एक गाय के ऊपर हम 10-10 मिनट भी बोलें तो भी कम है। और ये गाय खरीदी भी हमने चैम्पियन फार्म में से। हर साल इस फार्म की गायें कंपटीशनों में परफॉर्म करती हैं और जीतती आई हैं, HF है, जर्सी हो, और फर्स्ट टाइमर जो 2 दांत का इसी फार्म की गाय का जो हाईएस्ट मिल्क रिकॉर्ड अभी तक है, इसी फार्म की गाय है वो, जिसका अभी तक जो इंडिया का टॉप रिकॉर्ड की जो गाय है। ये देखिए ये बछड़ी ने, फर्स्ट टाइमर ने जो 52-53 लीटर मिल्क दिया है, अभी सेकंड टाइमर तकरीबन कोई 65 से प्लस चलेगी। अगर कोई अच्छी केयर वाला हो तो 70 लीटर भी दूध ले लेगा। हर एक बंदे की क्षमता है, केयर है। ये देखिए आप, ये बछड़ियाँ जो हैं सारी फॉर सेल है। अगर प्राइस की इनकी बात करूँ तो प्राइस मैं यूट्यूब के ऊपर बताना इनका कोई इतना जो समझदारी नहीं समझता, क्योंकि ये सारी हाई रेट्स की गाय है। ये मान लो कि आप 30-30 लीटर दूध की जो 4 गाय जिस दाम में पड़े, तो उस दाम की ये अकेली गाय है। ये देखिए आप, 4 दांत बछड़ी, और क्या ही बात है, स्ट्रक्चर, क्वालिटीज। ये देखिए आप, इससे आगे ये सेकंड नंबर पे जो गाय है ये भी प्लेट के सीमन की है। ये देखिए आप, आपको मैं एक बार इसकी क्वालिटीज चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये भी सेकंड टाइमर गाय है, ये भी प्लेट के सीमन की है, और इसने फर्स्ट टाइमर ने 57-58 लीटर मिल्क दिया है। ये गाय ने 55 से प्लस दूध दिया ये बछड़ी ने। ये देखिए आप, अभी आप इसकी अर्डर की क्वालिटी, स्ट्रक्चर, ये अभी अभी थोड़ी सी इसकी अर्डर के ऊपर बाई भी है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये देखिए, अभी थोड़ी सी स्वेलिंग है एक साइड अर्डर के ऊपर, लेकिन अर्डर की क्वालिटी, पीठ की क्वालिटी, स्ट्रक्चर, क्या ही बात है, अभी वो तो बोलने की बात ही नहीं है मेरे। ये इस गाय को आज जो 4 दिन हो गए हैं बच्चा दिए को, और इसके नीचे अभी जो है 52-53 लीटर 50 से प्लस दूध अभी तैयार है, और ये गाय भी 65 से प्लस दूध की है, सेकंड टाइमर। ये आप चेक करिए इसकी क्वालिटीज एक बार अर्डर में, इसको इसका आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ साइड से। ये गाय भी प्लेट के सेक्सल सीमन की है, जो फर्स्ट नंबर वाली थी वो भी प्लेट के सेक्सल सीमन की थी। इसकी भी क्षमता 65 प्लस की है, उसकी भी क्षमता 65 प्लस की है। ये देखिए, इसके पीछे भी जो मेल काफ है ये गाय के नीचे, इससे आगे बछड़ी टॉप पर शो क्वालिटी ब्रीड में कंपटीशन जीतने वाली, फर्स्ट टाइमर, 2 दांत स्ट्राइक के सीमन की। ये देखिए आप बछड़ी की कि क्या ही बात है, ऐसे अड्रेस की, ऐसी क्वालिटी की गायें कहाँ मिलती हैं। ये देखिए, ये बछड़ी फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत
स्ट्राइक के सीमन की खुद है, और अभी तो इसको सिर्फ आज बच्चा दिए, वही 3-4 दिन हुए हैं। अभी तो इनके जो अडर की क्वालिटी है या जो भी इनके शरीर की बनावटें हैं, ये तो अभी मान लो 0 हैं। अभी तो उन्होंने निखरना है, जैसे जैसे निखरेंगी दूध पे आएंगी तो ये अपने आप को बताएगी, प्रूफ करेगी। अभी तो ऑर्डर बिल्कुल इसका 10% है, लेकिन जैसे ये मिल्किंग में आई, दूध जब ये 50 से प्लस चली गई, फिर आज के 10 दिन के बाद आपको ये बछड़ी फिर दोबारा दिखाएंगे तो क्या बनती है। लेकिन अभी भी ये बछड़ी की जो क्वालिटी है और जो इसकी क्षमता है, अभी भी इसके नीचे तकरीबन 41-42 लीटर दूध है खीस से खाली हुए, 4 दिन का बच्चा दिए, और एक 41-42 लीटर मिल्क अभी भी ये बछड़ी दे रही है। 2 दांत, हाइट, ब्रीड, क्वालिटीज, स्ट्रक्चर, ऐसी बछड़ियाँ कहाँ मिलती हैं जल्दी, ये देखिए। इसके मैं फेस की क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ ये बछड़ी की, ये देखिए आप। ये तो अभी जितनी भी आज मैं आपको गाय जो भी दिखा रहा हूँ ना, ये गाय तो अभी सारी की सारी ताज़ा बच्चा दिए हुए हैं, अभी तो इनकी स्टार्टिंग्स हैं। अभी तो आगे आगे आपको पता लगेगा कि ये निखरेंगी तो क्या बनेगी। जो आज ये गायें आप देख रहे हो ना, आज से 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इनके अडर्स इनसे 3 गुना ज़्यादा होंगे, ट्रिपल अडर होंगे। जब ये पूरी मिल्किंग में आ जाएगी, पूरा इनटेक, फीड इनटेक अच्छे से खाने लग जाएगी। जो ये बछड़ी है प्रॉपर कंपटीशन लेवल की, और कंपटीशन के लिए ही खरीदी है, और कंपटीशन में डालेंगे तभी इस बार लोगों को बताएंगे कि जो हम ब्रीड खरीदते हैं, जो पैसे लगाते हैं, तो काफ़ी लोगों के इस बार जो मुंह बंद करने हैं तो वहां पे ही बताएंगे। चलो पहले तो बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। इससे आगे जो बछड़ी आ गई है, ये देखो डेनो की, ये भी बछड़ी 2 दांत, और क्या ही बात है इसकी भी बछड़ी की, आप चेक करिए। ये बछड़ी डेनो के सीमन की है, फर्स्ट टाइमर टूथ टीथ, ये आप एक बार चेक करिए क्वालिटी इसकी। ये आप दोनों बछड़ियों को मैं फ्रेम में दिखा रहा हूँ, इस बछड़ी की भी आप चेक करिए पीठ की क्वालिटी, अडर की क्वालिटी। ये बछड़ी को आज बच्चा दिए को 10-12 दिन हो गए होंगे, और अभी इसके नीचे जो है तकरीबन 43-44 लीटर दूध है तो 45, लेकिन हम 1-2 लीटर कम ही बताते हैं, लोगों की तरह 1-2 लीटर ज़्यादा नहीं बताते, कम ही बताते हैं। ये बछड़ी डेनो की है, 2 दांत है, फेस की क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ, बड़ा सुंदर इसका फेस है। इधर को देखे तो ये देखिए प्रॉपर रिकॉर्ड है, ये देखिए इनका। मैं आपको हर एक गाय का बताऊंगा कि कौन सी गाय का कितना लीटर, जो सेकंड टाइमर्स गाय है उनका पार्लर के रिकॉर्ड है, ऐसे बोलने वाले नहीं है। ये गायें पंजाब के टॉप पर जो नंबर 1 चैंपियन फार्म में से आई हुई बछड़ियां हैं सारी की सारी। ये बछड़ी देखिए, ये बछड़ी के पीछे है जो ये वाली के, ये खुद स्ट्राइक की है, इसके पीछे हनी बी वर्ल्ड वाइड सायर सेक्स सीमन की बछड़ी है, ये बछड़ी है डेनो की, इसके पीछे भी जो सेक्सल सीमन की फीमेल काफ है। इससे आगे आप आ जाइए, मेस्सी की एक गाय है, और ये गाय को भी आप चेक करिए एक बार, इसके अडर की क्वालिटी देखिए, इसके शरीर की बनावट देखिए आप, ये देखिए आप चेक करिए एक बार इस पर गाय को, मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये सेकेंड टाइमर 4 दांत से 6 दांत हो रही है, मेस्सी के सीमन की है, और इसको आज बच्चा दिए को तकरीबन 6-7 दिन होंगे, और अभी इसके नीचे जो 52 लीटर 53 55 से अंदर है, 50 से ऊपर है इसके नीचे जो दूध। ये गायें तकरीबन, इतनी उम्मीद है हमें इस गाय के ऊपर कि ये गाय 70 को भी टच करेगी, इतनी गाय की क्वालिटीज़ है। अगर हम थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, इस जो बंदा नज़दीक से ये देखिए अब कहाँ कहाँ नशे उसे बड़े पड़े हैं, कहाँ इसके नशे नहीं है, ये देखिए क्वालिटीज देखिए आप। तो ऐसी गायें कहाँ किस यूट्यूबर ने आपको दिखानी है, ये भाई जी बड़ी मेहनत से और प्यार है लोगों के साथ, फार्म वालों के साथ, जो हमें ऐसी ऐसी गायें देते हैं, हमें हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी बछड़ियां हमारे घर पे खड़ी हैं। ये देखिए, ये आप चेक करिए, ये गायें सेकेंड टाइमर मेस्सी के सीमन की, इसके पीछे भी मेल काफ है, और ये गाय की तो क्षमता तकरीबन 70 को प्लस हो जाए, जहाँ उससे 2 किलो कम रह जाए, लेकिन इतने ही दूध की क्षमता है ये गाय की।
इससे आगे फिर एक स्ट्राइक के सीमन की बछड़ी आ गई। ये भी स्ट्राइक के सीमन की है, स्ट्राइक बोल लो, स्ट्रॉकी बोल लो। ये देखिए आप फेस क्वालिटी बछड़ी की, दो दांत हैं, बिल्कुल अभी बच्चे हैं, लेकिन क्वालिटीज ऐसी हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये देखिए आप साइड से ऑर्डर। ये बछड़ी भी अभी खीस से खाली होके मिल्किंग में अभी स्टार्ट हुई है। अभी सारी बछड़ियों के थोड़ी थोड़ी अडर में स्वेलिंग है। ये देखिए आप बछड़ी, इसको ये बछड़ी को भी हमने ब्रीड कंपटीशन में डालेंगे। ब्रीड कंपटीशन में बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी और अच्छी पोजीशन पे ही रहेगी और कम्पीट करेगी, अच्छा कंपटीशन देगी दूसरी गायों को। ये तो नहीं हम पहले ही बोलते कि ये जीतेगी, लेकिन अच्छा कंपटीशन देगी। ये भी स्ट्रॉकी के सीमन की है, इसके पीछे भी मेल काफ है, सॉरी इसकी फीमेल है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं देख के बता दूंगा आपको। कोई बंदा कि जिसको पसंद हो उसको मैं कंफर्म कर दूंगा कि इसके पीछे बच्चा क्या है। मेरे अभी दिमाग से निकल गया, मैं गलत बता दूं तो वो अच्छी बात नहीं है। ये बछड़ी भी अभी दो दांत और प्रॉपर कंपटीशन लेवल की, आप अटैचमेंट देखिए, ऊपर से बॉडी लाइन देखिए, ये देखिए आप पीठ की क्वालिटी, पैरों की क्वालिटी देखिए आप, ये देखिए। ये तो अभी भाई बछड़ियां साफ होनी है, अड्र इसने अभी इन्होंने बनाने हैं, शरीर भी बनाने हैं। अभी तो ये ताजे बच्चे देखे, अभी स्वेलिंग सेंटर पे, अभी जब ये गायें एक महीना 40 दिन के बच्चे दिए हो जाएंगे तो फिर ये गायें बताएंगी कि हमें क्या चीज़ है। फॉरेन की गायों के लेवल की ये सारी की सारी गायें इस बार जो KS डेयरी फार्म पे अवेलेबल है। इससे आगे जो ये गायें हैं, ये गायें थोड़ी कच्ची है, लेकिन ये गाय का भी जो रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, इसीलिए हमने ये कच्ची गाय खरीदी है। नहीं, हम कच्ची गाय थोड़ा कम ही खरीदते हैं, तैयार या ब्याई हुई खरीदते हैं, लेकिन ये गाय का जो रिकॉर्ड है हमें वो ज़्यादा ही पसंद आ गया, इसीलिए हमने ये गाय खरीद ली। ये देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए बछड़ी का, स्ट्रक्चर देखिए, क्वालिटी देखिए, बारीकियाँ इतनी ज़्यादा है, बारीकियों के कारण ही हमने ये खरीदी है। ये आपको फार्म का नाम भी इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ये फार्म भी टॉप क्लास फार्म से आई है और इसका फर्स्ट लैक्टेशन का 11,000 लीटर से प्लस का जो मिल्क हुआ है और पीक इसका था 47 लीटर का ये बछड़ी का, और लैक्टेशन का जो मिल्क 11,000 लीटर से प्लस हुआ है और 26 लीटर से ये गाय ड्राई हुई है। ये देखिए अभी इसके तकरीबन कोई 23-24 दिन पड़े हैं, ऑलमोस्ट 25 दिन के करीब इसके पेंडिंग है, लेकिन अभी इसकी आप जो बारीकियाँ, क्वालिटीज, करेक्टर्स, हर चीज़ आप अभी चेक कर लीजिए। अडर की शेप ऐसी रहेगी जैसे फॉरेन की गायें, क्योंकि हमने ये लास्ट ईयर ये गायें देखी थी, इसीलिए हमने ये खरीदी है, क्योंकि मैंने देखी हुई है ये लास्ट ईयर गाय। ये देखी अभी ये गायें भी आगे सक्सेस इवन से प्रेग्नेंट है। ये गाय खुद वर्ल्ड वाइड की सीमन की ये खुद है, मैं वो भी एग्जैक्ट इसका रिकॉर्ड, पार्लर का सारा रिकॉर्ड मिलेगा, जो जो सेकंड लैक्टेशन की है या फर्स्ट लैक्टेशन की गाय उन सभी का पार्लर का रिकॉर्ड मिलेगा। इससे आगे हमारी बेस्ट गाय है जो ये गाय, तकरीबन ये गाय अभी जो मिल्किंग भी अगर मैं बात करूँ तो ये दो टाइम की मिल्किंग में 57-58 लीटर मिल्क पे अभी चल रही है। आप अडर की नसें देखिए, वेन्स देखिए, ये देखिए आप साइड से, इस साइड से भी मैं आपको अडर इसका चेक करवा देता हूँ, पीछे से भी चेक कर लीजिए, इस साइड से भी चेक कर लीजिए। ये तो फार्म के में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो बड़े ही रिस्पेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ PDF है उनके फार्म की गाय हैं। ये गाय को अभी तक रोकने का रीज़न ही हमारा ये था कि ये गाय को हमने तीन टाइम लेके आके इसकी मिल्किंग करवानी है, लोगों को बताना है कि हमारे फार्म पे कैसी कैसी गायें आती हैं और हमारे पास कितना दूध देती हैं। और जो जो भी हमने ये गायें खरीदी हैं ना सारी की सारी, ये हम आपको एक एक गाय का जो बता सकते हैं कि कौन सी गाय हमने किस फार्म से खरीदी। ये देखिए बछड़िया, ये नमूने हैं भाई जी, शो पीसेस हैं, ये कहाँ मिल रहे हैं आपको डेली देखने को। ये देखिए इससे आगे ये बछड़ी देखिए आप, डेनो वाली,
ये स्टॉकी के सीमन की मेरी फेवरेट बछड़ी, ये देखिए जो बछड़ियाँ इस भगवान ने इस बछड़ी में बैठ के टाइम निकाल के डालियाँ हर हर चीज़। ये मान लो मिल्क की मशीन है जो ये गाय है, इतना जो अभी स्टार्टिंग और इतनी इसकी क्षमता गाय की, अभी भी देखिए एक साइड के अभी इस साइड पे स्वेलिंग है, इस साइड पीछे भी और आगे भी अभी स्वेलिंग, लेकिन दूध में इतनी स्टार्टिंग गाय की अभी तकरीबन ये 55 लीटर की रेंज में चल रही है। जब ये गाय साफ हो जाएगी दो चार दिन में, ताज़ा अभी बच्चा दी है, लेकिन उसके बाद देखिए अब क्या परफॉर्म करेगी। उसके बाद एक ये गाय जो चैंपियन फार्मों से आई है, ये देख लीजिए आप इसकी क्षमता, ये और ये बछड़ी दोनों एक फार्म से आई है। तो इससे आगे ये देख लीजिए आप, जो आप डेयरी एक्सपो में देखते होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, कि यूके के डेयरी एक्सपो में और यूएसए के डेयरी एक्सपो में, कनाडा के डेयरी एक्सपो में, आप चेक कर लीजिए कि असल में पंजाब में वही खड़ी है ना, उसी लेवल की है कि उसमें और इनमें कोई अंतर है, बताइए। तो आज ये चेक कर लीजिए अभी ऑर्डर, और पीछे से तो अगर आपको दिखा दी तो दिमाग हिला देगी, ये चेक कर लीजिए। ये भाई जी नगीना कहीं से ढूंढ के लाए हैं बड़ी मुश्किल से, बाकी इसका दाना पानी हमारे घर का था तो मिली। ये आप चेक कर लीजिए पहले गाय को, ये हेडन के सीमन की है ये गाय, और फर्स्ट टाइमर ने इसी गाय ने 56 लीटर दूध दिया है, और फर्स्ट टाइमर गाय का हम मान लो आप सोच नहीं सकते कि इतना इसको पैसा दे रहे थे मालिक को तब। चलो हमारे नहीं, इसका दाना पानी हमारे पास था, इस साल हमने बड़े जोर से ये बछड़ी कच्ची ली है, इसके भी तकरीबन 25-28 दिन पेंडिंग है, और पीडीएफए के डीएफए के बाद और पीडीएफए से पहले ये गाय का आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे कॉम्पिटिशन्स में भी, क्या रिजल्ट देती है और हाइट। मुन्ना इधर एक बार इसके साथ खड़ा होकर दिखा, और हाइट का अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये गाय का, हाथ नीचे करके साइड पर खड़ा हो जाते साइड पास पास हो जाए पास हो जाए, ये देख लीजिए कि बंदे के कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये चेक कर लीजिए कि कहाँ तक जा रही है गाय। तो ये तो अभी आपको एक वैसे ट्रेलर दिखा दिया है, गाय के दर्शन कराए हैं, उसके बाद जब तैयार होगी तो ज़रूर आपको दिखाएंगे ये गाय। इससे आगे एक हमारी जर्सी डायमंड पीस जर्सी जिसे बोलते हैं ना, तो डायमंड ही है ये, चेक कर लीजिए आप इसकी क्वालिटी, ये चेक करिए फेस की क्वालिटी देखिए। ये अभी दो दांत है, फर्स्ट टाइमर है ये जर्सी, और अडर की शेप क्वालिटी सारे वहम निकाल देगी लोगों के। ये देखिए ये जर्सी कैसी है आप जरूर बताना, ये जर्सी भी हमने कंपटीशन के लिए ही खरीदी है, और अगर कोई अच्छा दाम लगाएगा तो ज़रूर दे देंगे। ये बछड़ी मदीन के सीमन की है, इसके पीछे लेमन हेड के सीमन की जो सेक्सस सीमन की बछड़ी है, और अभी इसके नीचे 36 लीटर दूध रेडी है कांटे का, दो टाइम की मिल्किंग का। अगर इसको अभी जैसे आगे तीन टाइम करेंगे तो बिल्कुल हमारी उम्मीद है कि 42-43 लीटर दूध पे ये बछड़ी बड़े आराम से चली जाएगी। ये चेक कर लीजिए, ये जर्सी का आर्डर है भाई जी, और ये क्वालिटी और करेक्टर और मेहनत और जो लोगों के साथ हमारा फैमिली का 50 साल का रिलेशन है, उसकी वजह से ये ऐसी ऐसी गायें आज हमारे घर पे खड़ी हैं, और लोग हमें प्यार से ये गायें देते हैं। पैसे से ये चीज़ें नहीं मिलती, चाहे आप 10 लाख जेब में डाल के घूम ही जाओ, ऐसी गाय नहीं मिलती है, तो किस्मत से ऐसी बछड़ियाँ मिल जाती है। इससे आगे आप चेक करिए, ये भी जर्सी है जो मदीन की सीमन की है, ये जिग के सीमन से प्रेग्नेंट है, ये भी अभी थोड़ा कच्ची है, इसका टाइम पेंडिंग है अभी तकरीबन कोई 25 दिसंबर को इसका टाइम कंप्लीट होगा, इसके भी 24-25 दिन अभी पेंडिंग है। ये आप चेक कर लीजिए इसको भी,
आप अभी हम ये तो दोबारा चीज को मैं नहीं रिपीट करूंगा कि बढ़िया टॉपर फार्म से आई है, जो ये क्वालिटी है आपको ही दिख रही है कि कैसे फार्मों से आई है, ये आप चेक कर लीजिए। इसका फर्स्ट टाइमर का 35 लीटर 700 ग्राम का जो पीक गया है, मिल्क टीथ थी तब ये, अभी ये 4 दांत या 6 दांत होगी। इसका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, ये आप चेक कर लीजिए कि कैसी केयर हुई हुई है, लिगामेंट देखिए, लेग स्कोर देखिए, और क्वालिटी और जर्सी के करेक्टर स्पेसिफिकेशंस ये आप चेक करते रहिए। तो सभी भाइयों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर बताना कि हमारी गायें आपको HF और जर्सी गायें आपको कैसी लगी।